भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस साल जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाई जा रही है। जन्माष्टमी के दिन ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ सहयोग बन रहा है। 30 साल बाद इस साल जन्माष्टमी के दिन शनि ग्रह स्वह राशि कुंभ में रहेंगे। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा और साथ ही भगवान कृष्ण के जन्म का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ऐसे में जन्माष्टमी के पावन पर्व कुछ राशियों की किस्मत को बदलने वाला है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत जन्माष्टमी के दिन और जन्माष्टमी के बाद बदल जाएगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह पर्व भाग्योदय करने वाला है। जन्माष्टमी पर वृश्चिक राशि के जातकों को अचानक धन लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। किसी बड़े काम में सफलता मिलने की भी संभावना है। नौकरी में आपका कार्य प्रदर्शन अच्छा होने के कारण आपकी पदोन्नति की भी संभावना है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपकी आय में वृद्धि होगी और व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। सिंह राशि के जातकों की किस्मत पर कन्हैया जी की कृपा बरसने वाली है। आजीविका आपकी बढ़ने वाली है। आजीविका के साधन बढ़ेंगे, आय में भी वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी से एक मन मुटाव चल रहा था तो वो भी दूर हो जाएगा। आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। व्यापार में अगर आप साझेदारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए अनुकूल समय है, आप ये कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों का इस दिन भाग्य पूरा साथ देगा। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। काफी समय से अटका हुआ धन आपको जन्माष्टमी के दिन वापस मिल सकता है। आपकी कोई महत्वाकांक्षा इच्छा पूरी हो सकती है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि की भी पूरी संभावना है। जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की पूजा आराधना करें, सच्चे मन से बाल गोपाल को भोग लगाएं और मन में जो भी इच्छा है भगवान कृष्ण के सामने जरूर मांगें। निश्चित ही बाल गोपाल आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।